द्वारिका की समाप्ति एवं यादव कुल की कर्म प्राप्ति ये दोनों पहले से ही लिखे हुए हैं। इनका आरंभ मेरे अवतार के अंत के साथ जुड़े हुए हैं। तुम्हारे बिना मैं द्वारका में नहीं रह सकता हूँ कृष्णा। तुम्हें अभी बहुत कार्य करने हैं उद्धवा। जो आने वाला युग है वो कलयुग है। वहाँ विवाद बुद्धि होगी, सीमा पार करना धैर्य होगा, चोरी धर्म होगा, ऊंचा स्वर ज्ञान होगा, राजा ही चोर होगा, ऐसे दिन आने वाले हैं। उस कलयुग की विपत्ति से रक्षा करने हेतु परिष्कार के रूप में तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। सत्या, ये मेडिसिन ध्यान से लीजिए। तुझे ऑक्सीजन लाने को कहा था, यहाँ क्या कर रहा है? कैसे लाता? वहाँ नीचे इक्विपमेंट रूम में सांप है। सांप है? फिर तूने कॉल किया क्या? किसे? स्नेक सोसाइटी को क्या? हाँ हाँ, अपने सपेरे को। अपने सपेरे को मतलब? इंतजार कर रहा है और तू इतने आराम से आ रहा है। हे, जल्दी आ। हे, चलो। मैं क्यों? सेंटिमेंट है भाई। सांप को या तुझे? दोनों को। चल।
डॉक्टर तो हमेशा पल्स पकड़ते हैं, इसने तो सांप पकड़ रखा है। वो है तो डॉक्टर, लेकिन उसे एक बीमारी है। बीमारी? क्यूरियोसिटी। क्या यार, हिप्नोटाइज किया गया? ए, चुप कर। बस उसे समझाया था कि मुझसे कोई हानि नहीं होगी। बट दिस इज इलॉजिकल कार्तिक। या सांप जहाँ था उस जमीन पे हाथ रख के उससे आए वेव्स और वाइब्रेशंस के द्वारा उसे कोई आपत्ति नहीं होगी, ऐसा क्लियरली कम्युनिकेट किया था। इट्स कॉल्ड ज़ूलिंगुअलिज्म। आई नो बाइलिंगुअल, बट व्हाट इज दिस ज़ूलिंगुअलिज्म? अपने हार्ट रेट, पल्स और बीपी, ये सारे सेंसेस अपने कंट्रोल में रखने से उसे समझ में आ जाएगा। अरे क्या कंट्रोल में रखेंगे, एंड ऑफ द डे सांप है वो, खतरा है उससे, इंसान जितना तो नहीं। कार्तिक, क्या है ये सब? दिन ब दिन तुम तांत्रिक जैसे होते जा रहे हो। तांत्रिक जैसा क्या, ये तो तांत्रिक ही है। मैग्नेटिक पेन, ये मैग्नेट है भाभी। हाँ, ये देखो। अपने लिए सवाल हूँ, खोया खोया उलझा सा जैसे कोई ख्याल हूँ, पूछो नहीं हाल मेरा कैसे मैं बताऊँ बेहाल हूँ, टेढ़ी मेढ़ी राहों में बढ़ता ही जाऊँ कमाल हूँ। एक महीने पहले तैयार की गई वस्तुओं को हजारों साल पुराने एंटीक्स बता के बेच रहे हैं। एंटीक्स का मतलब हमारा इतिहास है, हमारा वैभव है, उसमें धोखा नहीं होना चाहिए। सर, I'm Dr. Kartikeya. बगल में पेशेंट्स इस शोर से डिस्टर्ब हो रहे हैं सर। ये शोर नहीं है डॉक्टर, मंत्र है। डिस्टर्बेंस जिससे भी हो वो शोर ही तो है। लयबद्ध के साथ आने वाला शब्द औषध है। Every streamed sound has a power. हमारे मंत्र रोगी को पीड़ा नहीं, शांति देते हैं। वो आपकी मर्जी है सर। क्यों महाशय, तबीयत ठीक नहीं है क्या? सिर्फ तबीयत ही नहीं, घर में भी कुछ ठीक नहीं है। घर में राहत में रसोई से अजीब अजीब आवाजें आती है। उस फकीर को बुलाता हूँ, रुको। आपकी प्रॉब्लम कोई बड़ी नहीं है सर, आपकी प्रॉब्लम है वास्तु, मैं सेट कर दूंगा। तू वास्तु कैसे सेट करेगा? इंसान का सच्चाई जानने से अच्छा शांति से रहना इम्पोर्टेंट है। यही बंगला है ना, अब चिंता मत कीजिए, इन दोनों को तीन रातें यही सुलाता हूँ। अरे हम क्यों सो जाएगा। कोई समस्या बोलता तो ट्रीटमेंट समझाता। We are doctors, not tantrics. गुड बुक, बढ़िया ट्रेवल कंपेनियन है। You read it? Yeah, being an archaeologist, I have to. ये मेरा कर्तव्य है। Oh, archaeologist? Indian archaeologist का ग्रीस में क्या काम? You see, आभूषण और सिद्धांत जो हैं, किसी न किसी रूप में हर देश में भारत देश को दर्शाते हैं। आजकल दुनिया भर में भारत देश की बढ़ाई करने एक ट्रेंड सा बन चुका है। बोलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर जैसे देश के पुराणों को कहानी का रूप दिया गया है, उसी तरह सारी सच्चाइयों को भी कहानी में बदल डालेंगे। तुम जितना भारत देश के बारे में जानते हो, वो एक महान वृक्ष के छोटे से अंकुर जितना है, जिसकी जड़ें वहां रशिया से लेकर यहाँ वियतनाम तक फैली हुई है। सो वास्ट। बट ये जानकर हमें क्या मिलेगा? वे ऑफ लाइफ। हम लोग जीने का ढंग भूल गए हैं। इतिहास हमें सिखाता है जीने का सही ढंग। Our history has solution for everything. Thank you for the knowledge, sir. Very good. Okay. You keep reading books on Indian history. Sure. Definitely. Bye. सर, प्रोफेसर राव एविडेंस लेकर इंडिया पहुंच चुके हैं। डू यू वांट मी टू फॉलो हिम? नो। ओके सर। देर मत करो शांतनु, वो भगवान की चीज है,
अगर अभीर लोगों को इसके बारे में पता चल गया तो वो हमसे पहले हासिल कर लेंगे। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदर ट्यूब देखकर कुकिंग तक ओके है, लेकिन अपना ऑपरेशन खुद कैसे कर लिया यार? What the hell? मैं मेयर हूँ, बेटे की दीर्घायु के लिए हवन करा रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करो। बेटा है तुम्हारा, मेयर बोल रहे हो, थोड़ी कॉमन सेंस होनी चाहिए ना। अरे ऑक्सीजन लेवल्स कम होने से इसे वेंटिलेटर पे रखा है और आप यहाँ लकड़ियां जलाकर कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ा रहे हो। जाए यहाँ से। इडियट, गेट आउट, गेट आउट फ्रॉम हियर। गलती उसने की है तो सस्पेंड मुझे क्यों कर रही हो मैडम? तुमने जिसे मारा वो मेयर है। मारने के बाद पता चला मैडम कि वो मेकर है। मेयर, मेयर, सॉरी। कार्तिक, तुम्हारा कॉन्डक्ट जानती हूँ, तभी एक साल के सस्पेंशन को पैनल में आर्ग्यू करके 2 हफ्ते करवा दिया। तुम्हारा गुस्सा मैं समझ सकती हूँ कार्तिक, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी के भी कभी कभी आफ्टर इफेक्ट होते हैं। इस हालत में ये कोटेशन बहुत इरिटेटिंग है मैडम, थैंक यू। जरा संभल कर रहना चाहिए, अभी भी खुद को बच्चा समझते हैं क्या? पापा, पैर में क्या हुआ? अरे बाथरूम में फिसल गया था बेटा। डॉक्टर घर में मौजूद है, मुझे नहीं बताया। अरे एक कॉल तो कर देते। तुझे क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों है? सस्पेंड करने से गुस्सा तो आएगा ना। सस्पेंड कर दिया? मेयर को मारेंगे तो सस्पेंड करेंगे ना। मेयर को मारा तूने? आईसीयू में हवन करेंगे तो मारेंगे ही ना। हवन करने से मारेंगे क्या? हवन करना गलत नहीं है भाभी, मगर हॉस्पिटल में करना गलत है। तुझे इतना गुस्सा क्यों आता है? आंटी, भलाई करने के लिए गुस्सा करना सही है ना? तू तो चुप कर। क्यों शिवा, तू ठीक तो है ना? अच्छा हूँ माँ जी। उस माधव की कृपा हमेशा तुम पर बनी रहे। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। सर, ये वायरस बहुत डेंजरस है सर, अगर ये स्प्रेड हुआ तो पूरी दुनिया में कयामत आ जाएगी। लगता है तुम्हारे शास्त्रों के अनुसार मुसीबत आएगी। ये WHO तक पहुंचे उससे पहले ही हमें एंटीडोट बनाना पड़ेगा,
तभी हम दुनिया पर राज कर सकते हैं। सर, आई थिंक आई फाउंड समथिंग। यस, डिग आउट देयर। ओके सर। केयरफुल। श्योर सर। जय लक्ष्मी देवी, तेरी कृपा बनी। शांति, गणेश बेटा, कार्तिक देखो तो, ये सब तेरी वजह से। डरो मत, थोड़ा शांत रहो प्लीज। आपके घर में किसी ने मन्नत मांगकर पूरी नहीं की? मन्नत? हाँ, मांगी है स्वामी। हमारा कार्तिक एक साल पहले बहुत बीमार पड़ गया था। अगर ये इस बीमारी से बच जाएगा तो श्री कृष्ण भगवान को 108 किलो मक्खन चढ़ाऊंगी, ऐसी मन्नत मांगी थी। मन्नत मतलब ऋण। हे भगवान, उसे जल्दी पूरी करनी चाहिए। जल्द से जल्द द्वारका जाकर आप श्री कृष्ण जी के दर्शन कर लीजिए। द्वारका? अब आपके पास सिर्फ यही एक मार्ग बचा है। ठीक ठीक है माँ। क्या है? तू चुप कर, कुछ नहीं जानता तू। मन्नत का मतलब विश्वास। दिस इज अ साइकोलॉजिकल बूस्टर। विश्वास करने से आवाज सुनाई देगी, ना करने से बुलाने पर भी आवाज सुनाई नहीं देगी। आज्ञा दीजिए माँ जी। धन्यवाद स्वामी जी। कितनी बार समझाया तुझे कि भगवान के विश्वास को कम मत समझा कर। माँ, मैं कभी भी किसी के विश्वास को कम नहीं करता हूँ। वैसे भगवान मन्नत मांगने पर ही समस्याओं का हल करता है क्या? देखा, यही बचपन में जब तेरे 10वीं के एग्जाम्स चल रहे थे ना, तुझे जॉन्डिस हो गया था बुरी तरह से। उस वक्त मैंने तिरुपति बालाजी आऊंगी ऐसी मन्नत मांगी थी। बस एक हफ्ते में तेरा जॉन्डिस ठीक हो गया था ना, कितना आश्चर्य हुआ था सब लोगों को। माँ, माँ सुन, चमत्कार हुआ है इसलिए भगवान को नहीं मानती, भगवान को मानती हूँ इसलिए चमत्कार हुआ है। मुझे द्वारका जाना है बस। मैंने यहाँ से तब बहुत काम है मुझे। सस्पेंड हो चुका है तू, अब क्या काम है? फिर भी नहीं आऊंगा। चेक हिज फोन, चेक हिज मैसेजेस, एवरीथिंग। रास्कल, अपने फैमिली मेंबर्स से भी ज्यादा भरोसा किया था। धोखेबाज, गेट आउट, गेट आउट। नहीं, सिर्फ हम ही नहीं, हमारा लक्ष्य भी डेंजर में है। केदार जी, देवी, यस सर, लेट्स स्प्लिट। आने वाली महामारी को रोकने वैद्य निधि का मार्ग दिखाने वाला पहला आधार हासिल किया। इस यज्ञ में श्री कृष्ण ने मेरा किरदार इतना ही लिखा है। इसे आगे ले जाने के लिए उन्होंने जिसे चुना है वो आएगा, इसे भरोसे में अलविदा कह रहा हूँ। कृष्ण,
एक दो साल नहीं बल्कि 15 साल से श्री कृष्ण भगवान की सेवा करते हुए भक्ति भाव से जी रहा हूँ। भक्ति वक्ति नहीं, उम्र हो गई और शादी नहीं हुई है इसीलिए ऐसा हो गया है। दीदी, अरे इसकी माँ ने हर भगवान की पूजा की और आखिर में द्वारका भेजा, आप देखो क्या हालत हो गई है इसकी। मैं तो भक्ति भाव से। वैसे मामा, तुम श्री कृष्ण के भक्त हो ना, फिर एक भी शादी क्यों नहीं की? कृष्ण का मतलब शादियाँ करना, लड़कियों को सताना, साड़ी चुरा के गीत गाना नहीं है। उनका सिद्धांत तो अनंत ज्ञान है। उस युग में उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर ही, उस युग में तब ये सब छोड़ो, अब क्या है, अब कौन है ये सोचो। कृष्णा कृष्णा, अरे वो माधव है। जो दिखता है उसी पर विश्वास करने वाला मानव हूँ मैं। भाई बस यहीं रुक दो। हाँ बस यहीं। अच्छा मैंने सुना है यहाँ आसपास कहीं प्रवचन होते हैं, वो जगह कहाँ है? यहीं इसी गली में प्रतिदिन। माँ हम यहाँ श्री कृष्ण के दर्शन करने आए, पहले वो देखो, कृपा करके दूसरे प्रोग्राम मत बनाना। पगले, आना भी हमारे हाथों में नहीं होता और जाना भी हमारे हाथों में नहीं होता, सब कृष्ण की लीला। वही है। तो एक बार डुबकी लगाना स्नान होता, 3 बार डुबकी लगाना पुण्य है। पानी को कृष्ण अर्पण करो बेटा। डॉक्टर शांतनु, किताबों और पुराणों को लेके कोई विपत्ति आएगी ये कैसे मान सकते हैं? इतने बड़े रेप्यूटेड डॉक्टर होते हुए भी सॉल्यूशन के लिए कृष्ण का सहारा लेना, ये सब क्या है? श्री कृष्ण को और मुझको नीचा दिखाकर बात करना गलत है। कुछ साल पहले सूरत में प्लेग आने से हर घंटे 100 लोग मर रहे थे। 2 दिनों में ही डर के मारे 3 लाख लोग शहर खाली करके चले गए थे। तब उनका तुम जब मजाक उड़ा रहे थे तो इन सीक्रेट सोसाइटी और किताबों ने तुम्हें रास्ता दिखाया था। पशुपति पुराणों के मुताबिक जहां गोदावरी पैदा हुई थी वो त्रिमूर्तियों का क्षेत्र है लिखा हुआ था, मगर हम नासिक गए थे ढूंढने और वहां मिले ताल पत्रों को डीक्रिप्ट करके जो वैक्सीन बनी थी उसी से बचे थे तुम। अब चले गए, विपत्ति लिखी भी हो तो उसका हल भी लिखा होना चाहिए। दीदी सो जाओ ना। छोटू ने खाना खाया ना? खाना खाया? गुजराती थाली ठूस ठूस के खाई, पचाने के लिए बाहर चबूतरे पे बैठा है। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम, हरि केशव हरि गोविंदा। ए छोटू इधर आ। हाँ चॉकलेट ले ले, चल। बैडली इंजर्ड सर, आपको हेल्प चाहिए, आप यही रुकिए प्लीज। कार्तिकेया, सर मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ, आप कहीं मत जाना। हाँ यहीं पे ठीक है। लगता है भांजे का देश भ्रमण समाप्त हो गया, वापस आ गया है? अरे ये क्या, ये हाथ में खून कैसे, क्या हुआ? कोई सडनली आया मामा, पूरे बदन में खून था, मेरे ऑटो लाने पर
वो वहां नहीं था। मामा, उन्होंने मुझे मेरे नाम से बुलाया। सुनो, हर बात को जानने की उत्सुकता तुम में है ये मैं जानता हूँ। कुछ सालों से द्वारका की परिस्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ के लोग ही नहीं बल्कि दर्शन के लिए आए भक्त भी यहाँ से गायब हो रहे हैं। वापस जाने तक थोड़ा संभाल के रहो, समझे? भांजे, भांजे, दीदी दिखाई नहीं दे रही। यही कही होगी, देखो ना। नहीं बेटा, दर्शन के लिए जाना, सुबह से ड्रोनों कहीं नजर नहीं आई। सुबह से फोन किया तुमने? दो बार कर चुका हूँ, फोन तो घर में पड़ा है। सुनो, दीदी की फोटो मेरे फोन पे भेजो। भाई एक मिनट, इस फोटो में जो औरत है उसको कहीं देखा है आपने? मैंने नहीं देखा जी। नहीं, माँ, माँ जी, इनको कहीं देखा आपने? नहीं, नहीं देखा। सुनिए, इनको पहचानते हो आप? नहीं जी। नहीं नहीं नहीं। माँ जी, इनको देखा आपने? नहीं देखा बेटा। नहीं, माँ, कहाँ हो तुम? ओए सर, थैंक यू सर, एक्चुअली मैं आपको ही ढूंढते हुए आ रहा था। ये तुम ही हो ना? हाँ, ये मैं ही हूँ सर। सर, 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 आप मुझे कहाँ लेके जा रहे? जवान मत चला। सर प्लीज जल्दी। सर आप गलती कर रहे हो, आप मेरी बात सुनिए। आप कार्तिक अग्रवाल स्वामी चाहा जानते हैं? कौन स्टेशन लेके जा रहे हो? चलो सर, ये कलिया है, आपने इनको क्यों पकड़ा है? तुम बीच मत बोलो। ये सर हमारे से जानते हो? चलो काम करो। चलो बात सुनो सर, मैं तुम टेंशन मत लेना। कौन से स्टेशन लेके जा रहे हो मुझे? तुम ही बैठो। मुझे आपने क्यों अरेस्ट किया ये जानना मेरा बेसिक राइट है सर। सर प्लीज विल यू टेल मी? सर मेरी माँ दिखाई नहीं दे रही है, वैसे ही मैं बहुत टेंशन में हूँ। चुप। हाँ सर, यस सर, हमने उसे पकड़ लिया है सर, वो मेरे सामने ही बैठा है। हाँ ठीक है सर, ठीक है। उसका मर्डर क्यों किया? कैसा मर्डर, क्या बोल रहे हैं आप? ये देख, इन्हें मैं क्यों मारूंगा सर? इनफैक्ट इन्हें बचाने की कोशिश की थी। चाहे तो नेक्स्ट फुटेज देख लीजिए। नहीं है, वो डिलीट हो गया। समझ गया। आपको क्या चाहिए? उस बुड्ढे ने जो भी तुम्हें बताया वो तुम मुझे बता दे, उसके बाद मैं तुझे हैदराबाद जाने दूंगा। सर उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, मुझे कुछ याद भी नहीं है। मैं तुझे 15 मिनट का समय देता हूँ, उसके अंदर तू सोच ले, बुड्ढे ने जो कहा वो बताएगा या जेल जाएगा। किधर है?
स्टेशन से मुझे क्यों बचाया? आखिर पुलिस मुझे चेस क्यों कर रही है? और वो बुड्ढा कौन है? तुमसे ही पूछ रहा हूं। काम डाउन। अनुता, जिनकी मौत हुई है वो मेरे दादाजी हैं, प्रोफेसर राव, फेमस आर्कियोलॉजिस्ट। आई एम सॉरी, उन्हें तो मैं जानती हूँ। मैं, तुमने कुछ नहीं किया। उन्होंने तुम्हें कुछ दिया था या फिर चिप बताया था? नहीं। याद करो कार्तिक, कुछ बताया था क्या? कुछ बताना होता तुम पोती हो, तुम्हें बताते। स्ट्रेंजर हो, मुझे क्यों बताएंगे? कुछ नहीं बताया। यानी तुम मुझ पर शक कर रहे हो? कार्तिक, कौन है वो? पता नहीं, मैं भी नहीं जानती। माँ के बारे में कुछ पता चला? द्वारका में जान पहचान वाले सभी स्वामियों को खबर कर दी है, ढूंढ रहे हैं। वैसे इस लड़की ने तुम्हें क्यों बचाया? कोई तुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहा था? कोशिश नहीं मामा, मुझे मारने का, जैसे उसने जीवन का लक्ष्य बनाया हो। उसकी आंखों में नफरत, उसकी हाथों की ताकत, लेकिन पता नहीं क्यों वो कृष्ण भगवान की मूर्ति को देखते ही झट से रुक गया। कृष्ण की मूर्ति देखते रुक गया? हाँ। इसका जवाब तुझे जहां मिलेगा मैं तुझे वहां लेके चलता हूं। आपका पीछा जिसने किया वो अभीर है। कोई भी श्री कृष्ण के पास जाने की कोशिश करता है वो उसे ढूंढकर बड़ी क्रूरता से मार देते हैं। कृष्ण भगवान के पास जाने से क्यों मारेंगे? आखिर कौन है ये लोग? इतने
इतिहास में हरेक युद्ध और हरेक अत्याचार अपना प्रस्तित्व कोई न कोई कारण दिखा के शुरू करता है। श्री कृष्ण के भक्तों को रास्ते में रोक कर उनसे लूट मार करते थे ये अभीर लोग। ये श्री कृष्ण से अपार भक्ति भी रखते थे, फिर भी द्वारकावासी इन्हें अलग दृष्टि से देखते थे। इनको घरों में आने की अनुमति नहीं थी, मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, यज्ञ और हवन में हिस्सा नहीं ले सकते थे। श्री कृष्ण का अवतार अंत होते ही भगवान की एक मूर्ति इन्होंने चुरा ली और उस मूर्ति की श्रद्धा से पूजा करने लगे थे। तब द्वारका वासियों ने उन्हें लाठियों से मार मार कर उस मूर्ति को उनसे छीन लिया था। उस वर्ग के नायक ने सबको संबोधित करते हुए यह निर्णय लिया कि किसी को भी श्री कृष्ण को पूजने या छूने से पहले हम अभीरों को याद करना होगा। जाइए, अब उनका भगवान सिर्फ हमारा भगवान है। श्री कृष्ण भगवान के समक्ष केवल कृष्ण पक्ष के समय ही इस यज्ञ का विराम होगा। उस दिन को छोड़कर किसी और दिन यदि कोई भी भक्त भगवान को छूने का प्रयास करेगा तो वो मारा जाएगा। द्वारका जल समाधि के बाद बचे हुए द्वारकावासी इन अभीरों से डरने लगे। समय बदलता गया, नागरिकता बदलती गई, पर जिस प्रथा को अभीरों ने अपनाया था वो अब तक चली आ रही है। उनमें से एक अभीर ने ही तुम्हारा पीछा किया था। इतना भयानक अतीत रखने वाले ये लोग मुझे क्यों मारना चाहते हैं? मेरे दादाजी तुम्हारे नजदीक आए थे, मतलब तुम श्री कृष्ण के करीब हो। तुम श्री कृष्ण के करीब हो मतलब उनके दुश्मन बन गए हो। कृष्ण के करीब मतलब तुम्हारे दादाजी कौन है और मेरा तुम्हारे दादाजी से क्या संबंध? मेरे दादाजी का वॉइस मैसेज। प्लीज फाइंड कार्तिकेया, ही इज द सॉल्यूशन एंड सेवियर। चिनी, आखिरी बार जब हम मिले थे वो मुलाकात याद आ रही है। सुन रहे हैं? तेरे भैया का कॉल। अरे 10 बार फोन कर चुका, एक बार बात कर ले। क्या है भाई? तुझे ढूंढते हुए पुलिस आई है, अब क्या किया तूने? उस मेयर ने भेजा होगा, ये उतना सीरियस नहीं है। वैसे माँ कैसी है? माँ आज प्रवचन में। भैया तुम फोन रखो, मैं बाद में कॉल करता हूँ। सुन कार्तिक, मेरी बात तो सुन। मामा, माँ अगर किडनैप हुई होती तो अब तक एक कॉल या कोई मैसेज आ जाता। यहाँ कहीं 8 दिन के प्रवचन के बारे में बताया था, वो जगह कहाँ है? वो दिव्य भवन है, अपने घर के बिल्कुल नजदीक है। मामा आप तुरंत वहाँ जाकर प्रवचन में माँ है कि नहीं देखे आओ ना। माँ वहाँ क्यों जाएगी बेटा? मामा। हाँ ठीक है, जाता हूँ। जब तुम्हें पुलिस स्टेशन से बचाया तब हमें हिम्मत थी, लेकिन अब हमारे सवालों के जवाब ही हमारे पास नहीं है। मेरी हिम्मत खो रही है। मैं वहाँ प्रवचन में गोपाला गोपाला कहते हुए भक्ति में खो गई थी। माँ कहाँ चली गई थी तुम? बेटा तुम्हें ठीक कहा, वहीं मिली। माँ क्या बात है बेटा, क्या हुआ कार्तिक? जाने से पहले बता के तो जाना चाहिए ना, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, सेलफोन भी मेंटेन नहीं करती हो तुम। यूं जाकर यूं आने वाली थी बेटा, पर वहाँ जाते ही वो प्रवचन, वो कृष्ण गाथा। मैं कितना परेशान और टेंशन हो गया था, तुम नहीं समझोगी। बेटा प्रश्न में ही उत्तर है कहता था, समस्या में ही हल है ऐसा कहता था। ये मेरा ही कार्तिक है ना जो बिल्कुल बदल गया है। ये इतना टेंशन में क्यों रहता है बेटी? जब देखो तुम कौन हो? मैं तुम्हारे बाल कितने अच्छे हैं, घुंघराले घुंघराले, कितने घने हैं, धोती कैसे हुई? वो सब तो ठीक है बहन, इतनी देर क्यों हो गई ये बताओ। वहाँ नीला के अपमान की कथा जैसे ही शुरू हुई थी बस ये मुझे उठाकर बाहर ले आया। यहाँ का प्रसाद जो है हमारे प्रसाद से कुछ कम नहीं है, इनका पोहा। ओहो, मतलब पूरी श्रद्धा पोहे पर थी, मुझे तो लगा तुम प्रवचन पर ध्यान दे रही हो। ज्यादा मत बोला कर, प्रवचन पर भी होती है प्रसाद पर भी होती है, तू जानता ही क्या है। प्रवचन में जाना चाहती हो? फिर से प्रवचन में? बीच में आने की जरूरत नहीं है, वहीं पर रुक कर पूरी तरह सेवा करो।
प्रवचन सुनो। तू सच कह रहा है ना बेटा? सच माँ, तुम पूजा करो, मैं काम पूरा करता हूँ। मामा, सब पैक करके माँ को वहाँ छोड़ के आ जाओ। चलो दीदी। लो मेरा सोना बेटा कितना बदल गया। एक और जगह है वहाँ, पोई के साथ रसगुल्ला भी दे दे। तुझे देंगे जा। तुम्हारे दादाजी का वॉइस मैसेज जरा प्ले करो। प्लीज फाइंड कार्तिकेया, ही इज द सॉल्यूशन एंड सेवियर। जिन्हें आखिरी बार जब हम मिले थे वो मुलाकात याद आ रही है। आखिरी बार मुग्धा, तुम आखिरी बार दादाजी से कहां मिली थी? आखिरी बार उनके वर्क प्लेस में। उनका वर्क प्लेस कहां है? बेट द्वारका। समंदर में छुपा दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है ये द्वारका नगरी। नमो वासुदेवाय। ये मेरे दादाजी का वर्क प्लेस है। 5 साल से यहाँ कोई नहीं रहता। 5 साल से कोई नहीं रहता? ये कोई अनजान भाषा लगती है मुग्धा। ये शायद तुम्हारे दादाजी का लिखा पर्सनल लेटर है। चिन्नी, जब तुम ये पढ़ोगी तब शायद मैं इस दुनिया में न रहूं। यू नो माई क्वेस्ट, हमारे कल्चर हेरिटेज पर खोज करने की मेरी जो तड़प है उसे जानती हो तुम। चिन्नी, आई नो यू आर द ट्रू सक्सेसर ऑफ माई ड्रीम्स। मैंने जो ये काम शुरू किया है वो मेरे लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है, ये हमारे देश के लिए है। यस, और इस काम में हो सकता है मेरी जान चली जाए लेकिन फिर भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। दुखी मत हो मुग्धा। मैं क्यों दुखी होंगी? मेरे दादाजी बड़े ब्रेव थे एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम। हाँ मुग्धा, तुम्हारे दादाजी सच में ग्रेट थे। ग्रीस तक जाकर इतनी इंफॉर्मेशन गैदर की उन्होंने, तो जरूर इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात होगी। इसे ट्रांसलेट करके देखते हैं। श्री कृष्ण के दिए कड़े को लेकर द्वारका से निकले उद्धव, उसके लायक जो व्यक्ति है वही उस तक पहुंच सकता है, ऐसे आधार बनाए थे। उद्धव के छुपाए गए उस कड़े को पाने के लिए कई सालों से खोज चल रही है। कलयुग के समय में कई राजा और कई नायक उसे ढूंढते ही रहे। उसी तरह मौर्य, गुप्त और चाणक्य, चोला, पल्लव सभी ने बड़े प्रयत्न किए और उस कड़े तक पहुंचने के सुराग भी बनाए मगर वहां तक पहुंच नहीं पाए। आखिर में पल्लव वंश के सूर्य वर्मन ने उस कड़े तक पहुंचने का सिर्फ एक सुराग ढूंढ निकाला, पर उसके बाद उस तक पहुंचने का रास्ता वो ढूंढ नहीं पाए।
सूर्यवर्मन के आखिरी दिनों में उन्होंने जो खोज की और वहां तक पहुंचने का जो प्रयत्न किया उसका जिक्र उस समय के ग्रीक ट्रैवलर टोलमी को बताते हुए कहा था कि वो एक मोर की प्रतिमा है। उस प्रतिमा के द्वारा मिलने वाला आधार एक स्तूप आकृति में होगा। मैं अपने 30 साल के रिसर्च से उस ग्रीक ट्रैवलर टोलमी के लिखी किताबों को हासिल कर पाया। उसमें जैसे सूर्यवर्मन ने बताया था उसके अनुसार मैं उस मोर की प्रतिमा तक पहुंच गया। मैंने उसे कई खुदगर्ज लोगों से बचाते हुए एक गुप्त जगह में छुपा कर रखा है और वो गुप्त आधार इसी कमरे में छिपाया है। जो उसे हासिल करेगा वो प्रतिमा तक पहुंचने में कामयाब होगा। तुम्हारे दादाजी ने वॉइस मैसेज के द्वारा इस प्लेस के बारे में और इन पेपर्स में लिखी कहानी के द्वारा उस वस्तु के बारे में बताया है। उसी तरह उस वस्तु को कहां छुपाया है उसके बारे में भी बताया होगा। यही कहीं शुभिया। इतने स्क्रिप्चर्स के बीच में ये पेंटिंग कैसी? समथिंग इज स्ट्रेंज। बेटा ये तो श्री कृष्ण के आराम करने की जगह है। कृष्ण तालाब है ये। सर ये बैडली इंजर्ड कृष्ण तालाब, यही वो मुझे बताने जा रहे थे। जरूर उन्होंने वही छुपाया होगा। मामा हा? ये द्वारका में कहां है? जिस दिन मैंने ये काम शुरू किया था तभी मैं जान गया था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। अष्टम अवतार, अष्टमी को जन्मदिन, अष्टमी विवाह का मुहूर्त। ऐसे मुहूर्त पे कंस ने श्री कृष्ण को आवाहन भेज दिया था और श्री कृष्ण संहार करने के लिए निकल पड़े। सदा शांति के रूप में श्री कृष्ण को देखने वाले गोकुल वासियों ने उस दिन श्री कृष्ण का गंभीर रूप देखा था। प्रोफेसर तुम हमेशा मेरी मेहनत से क्यों खिलवाड़ करते हो? तुम चाहे जितनी मेहनत कर लो उसे पाने की हैसियत तुम में बिल्कुल नहीं है शांतनु। मेरी उम्मीद ही मेरी ताकत है। लेकिन प्राण त्यागने की हिम्मत होनी चाहिए तभी उसे पा सकते हो। इतना बड़ा तालाब और उसमें श्री कृष्ण का मोर कहाँ होगा? कहाँ ढूंढे? सब कृष्ण की लीला है। कार्तिक भांजे आपको तैरना आता है? मैं नहीं जानती। मैं भी नहीं जानता। अब क्या करें? कार्तिक भांजे। ओह माय गॉड कार्तिक। अपनी जान दोगे तुम? शांतनु इस यज्ञ को तो रोक नहीं सकता। मैं तो सिर्फ संविधा मात्र हूं। मैंने जो चिंगारी चलाई थी वो अब आग बन चुकी है। समझा जो झटाक से कूद गया। कृष्ण के जमाने का कृष्ण तालाब है ये। गुस्से वाला हाथी यानी लड़ते योद्धा के अवतार में पुरुष हमला करने चले आए। बेटे को कुछ हो न जाए इस डर से यशोदा मैया मेरी उम्र भी तुझे लग जाए कहके प्रार्थना करती है। तुम तो मेरे गुरु जैसे हो, अब तुम्हें ज्यादा नहीं सताऊंगा। यज्ञ शुरू हो चुका है। ये सब इसके लिए ही हो रहा है। इस मोर को उन्हें देख अपनी माँ को लेकर हैदराबाद चले जाओ। मामा हा? संभाल के। ये जरूरी है क्या? जरूरी है। मेरे डॉक्टर, बेवजह अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हो तुम। उसे दे दो, जिंदा छोड़ दूंगा। Thank you.
अगर मैं केस टेकअप करता हूं तो ऐसी कोई मिस्ट्री नहीं जो सॉल्व न की हो, कोई सर्जरी नहीं जो फेल हुई हो। इसे छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। तो भांजे, कार्य साधक के प्राण हर पल मुसीबत में होते हैं। निर्णय जब निस्वार्थ होता है तब उद्देश्य उत्तम होता है। संकल्प जब समाज का कल्याण करने का होता है तो मनुष्य के अंदर का माधव बाहर निकलता है। मारने से कुछ नहीं होता है डॉक्टर, तुमने किसे पकड़ा है और किससे टक्कर ले रहे हो शायद तुम नहीं जानते, मुसीबत खुद मोल ले रहे हो। पास ना आए वह समस्या है, एक बार मुझ तक पहुंच गई तो वह समाधान है। यह मेरे हाथ क्यों आया वो मैं नहीं जानता, इसके पीछे क्या कहानी है वो भी नहीं जानता, लेकिन इसमें शामिल हुए बिना इसमें मेरा किरदार है, इसीलिए इसका अंत भी मेरे ही हाथों लिखा है। वो लोग बड़ी समझदारी से बच निकले सर। उसने अगर समझदारी दिखाई है तो हम उससे हिम्मत और ताकत दोनों दिखाएंगे। उसे नहीं पकड़ा तो हमारी नौकरी ही नहीं हमारी जान जाएगी। एक आदमी पर निगाह नहीं रख सके, एक लड़की ने उसे छुड़ा लिया और तुम रोक नहीं पाए। ऊपर से इतना प्रेशर आ रहा है कि मेरा जीना हराम हो गया है। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन में फोटोज भेजिए, सारे चेक पोस्ट पर नाकाबंदी कर दीजिए। कौन है तू, किधर से आ रहा है? मैं मुझे कुछ नहीं पता। जा रहा है क्या कर रहे हैं? ये तो अपने हरे कृष्ण वाले भक्त हैं, जाने दो इनको, छोड़ दो। हाँ जाओ। जय श्री कृष्ण। जानते हो इनको, पहचानते हो? इसमें मेरी फोटो नहीं है। जवाब दो। मेरा मतलब सर, मैं नहीं जानता कि ये लोग कौन है। सर इनको देखो, इनकी आंखों को देखो, पक्के चोर उचक्के लगते हैं सर। इनको पकड़ के ऐसे 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 पिटाई कर दो इनकी। यहाँ मैं चलता हूँ सर। अगर एक बार अपन स्टीयरिंग पकड़ेगा तो सीधा यूपी से आईपी नॉनस्टॉप ट्रिप मारता हूँ। मुझे आज तक किसी पुलिस वाले ने नहीं रोका। ऐसे गाड़ी के मालिक को पकड़ के सिर्फ तुम्हारे पैसे बाकी हैं, इसलिए ढाबा में ढोकला बनवाओगे? ओ चाचा, ये सुलेमान सिर्फ पान प्यार और पैसों के लिए झुकता है, और किसी के लिए नहीं। हे, बुलाओ क्या पुलिस को? मेरा भाई इंस्पेक्टर है। चल फोन रख। भाई से बात कर रहा है, डरा दिया था बेकार। मैं रोड पे भटक रहा हूँ और ये यहाँ बैठ के मस्त खा रहा है। ये भांजे, तुझे चारों तरफ पुलिस ढूंढ रही है और तू यहाँ आराम से बैठ करके ब्रेड खा रहा है? ये ब्रेड नहीं है मामा, ढोकला है, गुजराती स्पेशल। हाँ मैं भी जानता हूँ, ये बड़ा ही रेयर मेटल है। ये ढोकला है कि मेटल है? वो नहीं, ये। ओ मोर, मैं कंफ्यूज हो गया था। ये वेनेडियम लगता है, अगर वही है तो हर एक टेम्परेचर पे ये रिएक्शन बदलेगा। भैया थोड़ा गर्म पानी लेके आना। Oh,
इसके ऊपर कुछ लिखा है। अगर ये लैंग्वेज हमें पता चल जाए तो इसका मीनिंग हम जान जाएंगे। मतंकुली प्रस्ता अचलया त्वया। अन्वेषितं द्वारम्। संस्कृत है क्या? संस्कृत है क्या? संस्कृत तो मेरी सेकंड लैंग्वेज थी इंटर में। ऐसा क्या? तो आप ही इसे डिकोड कीजिए। इंटर पास किया तो 30 साल हो गए। आप पढ़िए ना प्लीज। संस्कृत भूल गया भांजी। मुझे छूने वाला अचलम, तुम ढूंढ रहे हो द्वारम। क्या कहा? ये हिंदी है क्या? हिंदी है। अच्छा तो समझ में आ जाए, ऐसा बताओ ना। अचलम मतलब न हिलने वाला, यानी पहाड़। श्री कृष्ण के शरीर को छूने वाला पर्वत, गोवर्धन गिरी, यानी मथुरा। लो सुन लो, ढाबे से निकल नहीं सकते, मथुरा की बात कर रहे हैं। कौन ले जाएगा हमें वहां? वो ले जाएगा हमें। कौन वो? वो खुद कहीं जा नहीं सकता, हमें क्या स्टेट पार करवाएगा? पान, पैसा और प्यार, इसमें से किसी चीज की कमी नहीं होगी, मगर एक छोटी सी हेल्प चाहिए। प्लीज सुलेमान भाई। क्या करना है? हम तीनों को मथुरा पहुंचा दो। मथुरा तक छोड़ने के लिए इतने पैसे क्यों? वो क्या है कि सीक्रेटली ले जाना है। सीक्रेट? कोई गलत काम नहीं करता ये सुलेमान। तो तू ढाबे में बैठ के ढोकले बना और खा, पैसे ले ले वापस। अरे साधु के कपड़े पहनकर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो जी? प्यार करूं? देखो सुलेमान, खुदा की कसम हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, ट्रस्ट अस। अरे वाह, ये हुई ना बात, अब मैं खुश हूँ। अच्छा वो सीक्रेट के बारे में कुछ कह रहे थे आप? इतनी जल्दी क्यों है? भांजा रास्ते में बता देगा ना। यानी थोड़ा रिस्क होगा। रिस्क को रस की तरह चबा के खा लेता है ये सुलेमान। चलो ये डायलेक्ट्स, एंशिएंट लैंग्वेजेस और ये कोड्स, ये सब तुम कैसे जानती हो? आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ हिंदू सिमियोटिक फ्रॉम BHU। वाओ। और कार्तिक, तुम क्या हो? आई एम अ डॉक्टर। ओह, डॉक्टर बोल तो ओह। एक्चुअली आई एम आल्सो अ वेरी फेमस एंड वांटेड गाय। यहाँ पर तो वेरी मच वांटेड। रसोई का सामान है सर। दिखाओ। सर इस ड्राई स्टेट में आप मेरा क्या देखेंगे? सर मेरे पास एक चीज है, ये देखेंगे या वो देखेंगे? जी मेरे को एक डाउट है। आप पूछो। आप अलग है, आपका भांजा अलग है, वो लड़की और भी अलग है। अलग? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। आप तीनों मिले कैसे? अलग दिखने वाले हम लोगों को, अजीब दिखने वाले तुम। जिस तरह मिल गए वैसे ही वो अलग लड़की भी मिल गई। सब किस्मत का खेल। किस्मत किसमें खाएंगे तो सुलेमान क्या खाएगा? कबाब। ढाबे में ढोकले बनाने से अच्छा होता कहीं भाग जाते तो वहाँ कबाब खा लेते। मैंने अपने सेठ से उधार लिया है जी, वो चुकाए बगैर हज पर जाना पाप होता है ना जी। सुलेमान जी, जी बिस्किट खाएंगे? किधर जी? वहाँ मेरा भांजा दे रहा, जाओ। हाँ वो क्रीम बिस्किट है जी, वो मेरे को नहीं चलता।
गोवर्धन गिरी? हाँ, स्थल पुराण के मुताबिक इसकी मान्यता और ऊंचाई धीरे धीरे घटती जा रही है। इतना बड़ा पहाड़ है, इसमें कहाँ ढूंढने गए हम? ये कई स्मगलिंग वगलिंग तो नहीं कर रहे? ये तो स्कूल के बच्चे हैं, इनकी बस की बात नहीं है। नॉर्थ उस तरफ चल। उड़ी बाबा, मिल गए दोनों। पुलिस वालों का इस्तेमाल किया, हर जगह नाकाबंदी की, पेपर में छपवाया, फिर भी वो द्वारका से निकल गए सर। वो कहीं भी चले जाएं, उनके लिए मैं ही खतरा हूं। अक्षर को लेके आधार क्यों ढूंढ रहा है? सांसें फूल रही, मैं गिर जाऊंगा, अब मुझसे नहीं होगा। चलो नीचे चलते। अरे चलो ना, चलो चलो चलो। वाह, 5 लाख रुपया इनाम, सब कर्जा चुका दूंगा। हमारी बात मानो, इधर आ जाओ। बहुत लोग खोज रहा है इन लोगन के, जे भी उनका हवाले करी, 5 लाख उनका इनाम मिली चूना लगा के। एक एक को बुलाओ। चल बुड़बा, बहुत हुआ, जाओ तू भी आ। मैं मुसलमान हूँ जी। चल बे मुटका। अरे बंद मत करो यार, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। भाई दरवाजा खोलो। भैया ये वो फकीर कौन है? ये सब क्या हो रहा है और हमें क्यों बंद कर दिया गया है? आखिर तुम लोग हो कौन? स्टूडेंट्स। आप स्टूडेंट हो और वो जी आपके सीनियर है। ये सब करने के बावजूद तुम क्यों कर रहे हो? मैंने कब किया जी? अगर आप नहीं तो कौन? भांजी कैसी आवाज आ रही है? गोपाल 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 सुलेमान जी, ऐसे लोगों पर आपकी मस्जिद में तुपुक तुपुक करके कोई मंत्र पढ़ते ना तो आप भी तो मैं ढोकला बनाने वाला हूँ, वो तुपुक तुपुक मेरे को नहीं मालूम जी। सीखा क्यों नहीं? आप लोगों नींबू को लेके कचा कचा काट के कुछ मंत्र करते हो ना जी, वो कुछ हम लोग कचा कचा कुछ नहीं करते हैं जी। चलो चलो बाबा जी के पास। चला बाबा, कुछ नहीं होगा, अरे कुछ नहीं होगा, चला 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 जल्दी। भांजी ये लोग हमारे साथ भी ऐसा कुछ करेंगे? चलो थोड़ा बर्दाश्त करो, तेरे अंदर चुड़ैल है, उतर जाओ चुड़ैल। चार पाई लेके आओ, उतर जाओ। कहाँ फंस गया सुलेमान जी? अब क्या होगा? मामा तुम्हारा गमछा देना। सुलेमान जी रुमाल। Oh!
इस लड़की के हाथ खोल दो। वो हमार बहन है, पीछे हट। मुग्धा अंदर ले जा। हाँ। तुम्हारी ही बहन है, उसकी फ्रेंड मान ली, तुम्हारी ही गांव की थी, एक साल पहले कुएं में गिरकर मर गई थी। उसका कुएं में गिरना, पानी में तड़पना, लाश में बदल जाना, वो सब अपनी आंखों से देखकर डर गई थी। जब भी वो उसे याद करती थी तो वो रो पड़ती थी और वो रोती ही रही। उसके रोने को आप सब लोगों ने उसे पागल करार कर दिया और उसके डर को इसने चुड़ैल बना दिया। लड़कियां अपने अंदर हजारों डर और शक छुपा लेती हैं। घर में बताने वाली छोटी छोटी समस्याओं को भी आप लोग इस तरह पागल और अंधविश्वास का नाम देंगे तो देखो, ऐसे नालायक लोग एंट्री देकर उनकी जिंदगियों से खेलते हैं। लड़कियों को एक बार भरोसा देकर देखिए, चुड़ैल ही क्या, दुनिया को ही जीत लेंगी। हम सबका इतना मदद करने वाले आप कोनो गलत इरादा से तो नहीं आए हो? पहाड़ से दुखी उतरते देखा हमने, क्या ढूंढ रहे हैं भैया? ढूंढने का कारण तो जानते हैं, मगर क्या ढूंढना है, कहां ढूंढना है जानते नहीं। कहीं भी ढूंढिए भैया, मगर पहाड़ के उत्तरी दिशा में जाएंगे तो जान को खतरा हो सकता है, बुजुर्ग लोगों का कहना है। हमें चमगादड़ की बदबू आनी चाहिए, पर यहाँ तो चंदन की खुशबू आ रही है। अरे भांजे, पैर में कुछ लग रहा है, सांप तो नहीं है? मामा जरा इस्तेमाल करो। हाँ? आपके पास फोन है? हाँ है। उसमें टॉर्च है? हाँ है ना। टेक्नोलॉजी यूज करो। थोड़ी देर पहले चार्ज भी किया था। इतना अंधेरा है यहाँ कि टॉर्च ऑन करने से भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अंधेरा है, बाल है, भांजा है, मेरे साथ चलिए। संभल के भांजे। किस तरफ जा रहे हो?
मामा, यहाँ चंदन की खुशबू के अलावा कुछ अजीब सी कोमल पत्ते जैसी खुशबू। कोमल पत्ते की खुशबू? हाँ। पत्ता? हाँ पत्ता ही है। यहाँ जब इतना अंधेरा है तो ये पत्ता इतना हरा किस है? इसका मतलब यहाँ सूर्य की किरणें आती है। फोटोसिंथेसिस? यस। फोटोसिंथेसिस ये क्या होता है? लेकिन इस गुफा के अंदर कैसे? सृष्टि का आरंभ शब्द है। सारी समस्याओं को राह दिखा के द्वार खोलता है ये शब्द ही। सब तुम दोनों मेरे साथ, मैं जो मंत्र पढ़ता हूं उसे जोर से आवाज देकर मेरे साथ रिपीट कीजिए। तमसो मा ज्योतिर्गमया। मंदिर में पढ़ने वाला मंत्र गुफा में क्यों पढ़वा रहे हो भांजे? तमसो मा ज्योतिर्गमया। भांजे ये सब कैसे हो रहा है? टेक्नोलॉजी पूरा साउंड एंड मिक्स के साथ डिजाइन किया गया है। मतलब जैसे तालियां बजाने पर एग्जीबिशंस में लाइट्स चलती है, हाँ उसी तरह। ओ, उस समय भी ये सब कुछ था। पता नहीं किसने डिजाइन किया होगा। मुनियों और ऋषियों से बढ़कर शास्त्र ज्ञानी और कौन हो सकता है? ओ। कैसे चढ़ेंगे? हाँ चलो तुम्हें जाना होगा। चलो जय श्री कृष्ण। देख रहा बाद में, पहले उसे उठा लो। इतनी ऊंचाई में क्यों रखा? थोड़ा नीचे रख सकते थे ना। द्वापर युग में मनुष्य 9 से 10 फुट लंबे हुआ करते थे। अपने हिसाब से रखा होगा उन्होंने। हेलो, तुम्हें नहीं हमें भी थोड़ा बहुत ज्ञान है बेटा। हाँ उठा लो बेटी, उठा लो, उठाओ जल्दी आओ। बहुत बढ़िया। मेरा भंजा हर चीज की जानकारी फौरन लेना चाहता है। जानकारी नहीं, लालच। हाँ हाँ कुछ भी सोच लो। Hey guys, Kartik is always super. बोला था वहाँ काम है, इन सबको नहीं छुएगा। और अब जी भर भर के पी रहा है। इतना क्यों पी रहा है तू? सुलेमान ने ही मुझे जबरदस्ती पिलाया मामा। नहीं तो मैं पीने वाला? हर एक नालायक शराबी सबसे पहले यही डायलॉग बोलता है। मुझे आदत नहीं है, उसने आदत डाल दी। मैंने मना किया था, उसने पिला दी। क्या हंसी है मुक्ता, हंसी कोई खूबसूरती आ गई। स्टीयरिंग कहीं और घूम रहा है। कार्तिक एक बार वो देना प्लीज, सिर्फ एक बार प्लीज। ये टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप? ये क्या उस समय में टेलीस्कोप था? ये टेलीस्कोप है, तुम्हें कैसे पता चला? हाँ? ये टेलीस्कोप है, मैं जानता हूँ मुग्धा, क्योंकि कार्तिक हो ना। ओनली थिंग ये है कि इसे कैसे और कहाँ यूज करना है ये जानना होगा। यार
ये सफर और कितना लंबा है। मुग्धा जी क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहा है? सुबह से मुग्धा जी का कहीं पता ही नहीं चल रहा। मुग्धा का पता नहीं? क्या कहा? कहाँ गई? मामा बैग कहाँ है? वो भी नजर नहीं आ रहा मांजे। अरे मेरा बैग तो है ना, फूट ली। नहीं भाग गई। जरा भी एक्सपेक्ट नहीं किया, इतना बड़ा ट्विस्ट दे गए, बेशरम। कार्तिक के पीछे। हेलो भैया, क्या है ये? हेलो भाई, कहाँ हैं हम लोग? हेलो, ए रुको रुको, एक लड़की से धोखा खाने वाले तुझे इतनी हिम्मत करने की क्या जरूरत थी? हाँ, तेरे बारे में उस राव ने और हमारे शर्मा ने जो भी बताया था उसका तेरी इन हरकतों से कोई संबंध नहीं है। श्री कृष्ण का मतलब अरबियन समुद्र से लेके अटलांटिक समुद्र तक जुड़ा हुआ एक महान चरित्र है। मेडिसिन खत्म किए तुझे 3 साल भी नहीं हुए, तो होता कौन है श्री कृष्ण के बारे में इतनी खोज करने वाला? बांध के कोटेशन कोई भी दे सकता है सर, एक बार मुझे खोल दीजिए फिर बात करते हैं। ठीक है, मेरे लिए मौका अच्छा है, फिर भी मैं तुझे नहीं मारूंगा। हमारे पुराणों के बारे में सवाल करने वाले मैं तुझे अब मरने के लिए इस प्रकृति के हवाले करता हूँ। सर एक मिनट सर, उसने तो जल्दबाजी में आके बहुत कुछ कर दिया, हमने क्या किया सर? बुराई का साथ दिया है, मरना तो पड़ेगा ही। क्यों मामा, कुछ बोलते क्यों नहीं? हाँ? बोलने को अब बचा ही क्या है, आखिरी इच्छा भी शायद पूरी नहीं होगी, इसी बात का दुख है। आखिरी इच्छा? हाँ, अपना जूता खुद को मारने का मन कर रहा है, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं है। कहता बात क्यों नहीं करते हो? नहीं, वो हमारी मुग्धा जी हैं। हाँ वही तो। मुग्धा, हाय मुग्धा। 9 सेकंड में तुम कैच करोगी तो सुपर। 20 सेकंड तो डायलॉग बोलते हुए। गाली दे रहे थे ना? हाँ, छोड़ के जाओगे तो गुस्सा नहीं आएगा क्या? ज्यादा बड़ी गाली नहीं थी, छोटी थी। वो ऐसी वैसी गालियाँ नहीं थी जी, बहुत घटिया गालियाँ थी। चुप कर। कौन सी गाली दी थी? मैं क्यों गाली दूंगा चीची? नहीं, वो पे से कुछ रो रहा था जी। सुलेमान जी, वो बे नहीं बे था, प्यार से बेबी कहा होगा। बस तुम बताओ। कुछ नहीं कहा था। बेशरम बोला। मुग्धा प्लीज भांजी को बचा लो, प्लीज प्लीज कुछ करो ना। मुग्धा प्लीज, मुग्धा प्लीज।
वेलकम वेलकम टू माय स्पेस। अचानक एक सफर, अचानक कुछ दुर्घटनाएं, सबको पार करके इतनी दूर आए हो। हेलो मुग्धा, हाउ आर यू? तुम्हारे बारे में तुम्हारे दादाजी से सुना है। कार्तिके सर, क्या आप देख नहीं सकते? सर प्लीज, थैंक यू। नहीं, मुझे नहीं पीनी। मुक्ता, थैंक यू सर। दिखता नहीं, फिर भी इतनी सारी किताबें पढ़ रखी हैं और चार किताबें लिख भी दी हैं। बड़ी महान है। दृष्टि और विज्ञान में कोई संबंध नहीं है। इनफैक्ट मैं देख नहीं सकता, तभी तो आई बिकेम व्हाट आई एम। कमिंग टू द पॉइंट, विश्व एक मोतियों की माला है। हर चीज का आपस में संबंध होता है, सबका प्रभाव तुम पर पड़ता है। शौर्य कुटुंब से लेकर समुद्र गर्भ तक बस एक ही धागा है वहां। तुम्हारी साइलेंस मैं समझ सकता हूं। आई विल मेक इट इजी फॉर यू। हजारों साल पहले जो अभी मौजूद साइंस और टेक्नोलॉजी है, वो तब भी और एडवांस थी। इसे मानने वालों में मिस्टर रॉ भी एक थे। आदि शब्दम शंखनादम, उनके भरोसे को मजबूत करने के लिए कौंच नाम के एक सीक्रेट सोसाइटी को फॉर्म किया गया था। जनता की भलाई करने से, जनता को तो छोड़िए, हमारे बच्चे भी हमें याद नहीं करेंगे। वहीं अगर उस नाम से करोड़ों कमाएंगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें याद करेगी। उस बात से लालच में आकर सब प्रमुख स्वार्थी होकर काम करना चाहते थे। राव अकेला ही था जो देश के लिए काम करना चाहता था। All our talent cannot go into the ocean for the bloody people. Yes, even I agree with her. हमारी मेहनत अगर हमारे काम नहीं आएगी तो हम ये सब क्यों करें? हम आपके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। उसकी खुद की जान खतरे में है, ये जानते हुए भी उसने उन सबसे बच के पहला क्लू हासिल किया। सीक्रेट सोसाइटी से छुपाकर भगवान के खड़े के बारे में जानकर उसमें लिखे मेडिकल इंस्क्रिप्शन से आने वाली महामारी से सबको बचाना चाहते थे। सर, इतना बड़ा क्लू हासिल किया मेरे दादाजी ने, फिर कार्तिक को अप्रोच क्यों किया? कार्तिक को अप्रोच करने वाला राव नहीं था, तकदीर थी। विधि ढूंढती है लायक इंसान को। विपत्ति से रक्षा करने हेतु परिष्कार के रूप में तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। यही लक्ष्य निर्णय करने का मार्ग मंत्र है। इसे प्राप्त करने वाला योग्य समय आने पर इसे पालेगा। जब हालात बिगड़ने लगे, राव को द्वारका में कार्तिके कार्य सिद्धक जैसा दिखाई देने लगा। एंटीक्स का मतलब हमारा इतिहास है, हमारा वैभव है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं उसे रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। देश की बुनियाद को बचाने वाला ही इस यज्ञ को पूरा कर सकता है, लोग ऐसा मानने लगे। सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपके अचीवमेंट्स क्या है? आपकी लिखी हुई किताबें क्या है? और आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आखिर श्री कृष्ण का वस्तुओं में मेडिकल इंस्क्रिप्शंस कैसे हो सकता है? सर, आप एक साइंटिस्ट हो सर। हमें दिखाई नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां कुछ नहीं है, बस आंखें। श्री कृष्ण को भगवान की मोहर लगा के मनुष्य और धरती से अलग मत करो। He is biologically born and brought up on this earth. वो एक अपार बुद्धि, ऊंचे सिद्धांतों से जन्म लेकर इस धरती पर चलने वाले इंसान है। उन्होंने जो धर्म बताया था वो धर्म नहीं, हमारा जीवन है। गीता के द्वारा करोड़ों लोगों को राह दिखाई, उनसे बढ़कर गुरु और कौन हो सकता है? रक्षा के लिए समुद्र के बीच में
द्वारका नगरी बसाई, उनसे बड़ा आर्किटेक्ट कौन हो सकता। आंखों से मन की बातें समझाने वाला, उनसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट कौन हो सकता है। बांसुरी बजा के गाय और गोपियों को बांधने वाला, उनसे बड़ा म्यूजिशियन कौन हो सकता है। अच्छी सेहत का संदेश देने वाला, उनसे बड़ा डॉक्टर कौन हो सकता है। धर्म के लिए युद्ध करो ये कहने वाला, उससे बड़ा वीर कौन हो सकता है। कमी या कष्ट ना हो ऐसा महसूस कराने वाला, उससे बड़ा राजा कौन हो सकता है। हवन यज्ञ से बारिश बरसाई, उनसे बढ़कर प्रकृति को समझने वाला क्लाइमेटोलॉजिस्ट कौन है। अनकंट्रोलेबल आरपीएम के साथ घूमते सुदर्शन चक्र को कंट्रोल करने वाला, उनसे बढ़कर काइनेटिक इंजीनियर कौन है। उनमें सब है, फाइटर, सिंगर, टीचर, वॉरियर एंड व्हाट नॉट। ही इज एवरीथिंग। His aura is eternal. He is more than God to me. I worship His excellence. सर, भगवान को पूजने से बढ़कर उन्हें समझना जरूरी है। आपको देखकर आज पता चला है सर, इसे मैं जिंदगी भर याद रखूंगा सर। एडवांस टेलीस्कोप टेक्नोलॉजी, उस जमाने में इसे पर्वतों पर इस्तेमाल करते थे। सप्तऋषि नक्षत्रों का समूह, श्री कृष्ण तपोस्थल। श्री कृष्ण का तपोस्थल मतलब चंद्रशिला पर्वत। कार्तिके, इस कार्य के लिए वैद्य कृष्ण ने जिसको चुना है वो वैद्य तुम ही हो। इस सफर में प्रकृति कदम कदम पर इम्तिहान लेगी, तुम उस कार्य के लायक हो या नहीं ये प्रश्न पूछेगी। आने वाले 18 दिनों में प्रकृति से जो विपत्ति होने वाली है वो कुरुक्षेत्र में प्राणों की क्षति से ज्यादा भयानक होगी। आप लोग आगे नहीं जा सकते। चारों तरफ के पुलिस वालों ने घेर लिया है। हाथ ऊपर करके अपने आप को सरेंडर करो। मैं 10 तक गिनूंगा, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। अब हमें क्या करना चाहिए? 10 कार्तिक, हमें चारों ओर से घेर लिया गया है, अब हम भाग नहीं सकते। ज्यादा मत सोचो, तुम सोचते हो तो मुझे डर लगने लगता है। 7 6 5 मान जे, सरेंडर कर देते, मुझे डर लग रहा है। जब हमने कोई गलती ही नहीं की तो डर किस बात का। धर्म और रक्षति रक्षता। मुग्धा, सीट बेल्ट। मामा सुलेमान, जोर से पकड़िए। देखा भी नहीं, साइड में इतना अच्छा रास्ता है जी। ये रास्ता नहीं है, नदी है। नदी है, मतलब हम नदी के ऊपर से जा रहे हैं। नदी ही है,
तीन ताड़ के पेड़ जितनी गहराई होगी। कार्तिक जी, कार्तिक, एक्चुअली मुझे तैरना नहीं आता। मुग्धा बेटी, इस ठंड में तैरना भी आता तो कहाँ तक बैठ चलाओगी? तीन ताड़ के पेड़ की गहराई है। कार्तिक जी, ये पूरी बर्फ से जमी नदी है, थिन आइस। फिर भी हमें डरने की जरूरत नहीं है। ट्रक के साथ हम सबका वजन कुल मिलाकर 2400 केजी है। अगर हम 40 किलोमीटर पर स्पीड मेंटेन करेंगे तो हमें कोई खतरा नहीं है। कार्तिक जी, चुप बैठ। भांजा कुछ बोल रहे तो उसे ध्यान से सुन, डिस्टर्ब मत कर, मुंह मत कर। पान जी, क्या हुआ? वही समझ में नहीं आ रहा है। डीजल खत्म हो गया जी। अब बता रहा है, पहले क्यों नहीं बताया? बोला था आपने, जब मैं बताने की कोशिश कर रहा था। गाड़ी का फ्यूल टैंक तो फुल दिखा रहा है। एक बार फुल टैंक करवाया था, सुई वहीं पे लग गई। अब हम क्या करेंगे भांजी? ये 10 सेकंड से ज्यादा हमारा वेट होल्ड नहीं कर पाएगा। हमें उस पत्थर तक जाना है। चलो जल्दी। वो वाली गाड़ी, चलो मुग्धा, बैग कहाँ है? ठीक हो? हाँ, सुलेमान। 10 लोगों का सपना, 15 साल की मेहनत और 20 साल के रिसर्च को एक छोकरे ने बर्बाद कर दिया। प्रोफेसर ने जो शुरू किया था उसे यह डॉक्टर पूरा करने वाला है। वैसे कार्तिकेया की कुंडली क्या कहती है देवज्ञ शर्मा? कुंडली देखी है, उसकी मृत्यु की घड़ी समीप आ गई है। जाने दो, गाड़ी के साथ बुरा वक्त भी टल गया। गाड़ी मेरी गई, बुरा वक्त आपका। सुलेमान जी, थैंक गॉड, बहुत बड़े खतरे से बच गए। आपकी गाड़ी ने 4 लोगों को बचाया, दुखी मत हो। गई तो मेरी। खतरा टलना नहीं है, अभी भी अपने साथ ही चल रहा है। ए, वो मुझे दो। दे दो कार्तिक, प्लीज। इतनी मेहनत की है इसको देने के लिए? तो फिर मर जाओ। कार्तिक, तुम जिंदा रहोगे तो फिर कभी भी इसे हासिल कर सकते हो। मेरी खातिर दे दो प्लीज। भांजे, दे दो।
सच कहा, ये जिंदा बच गया तो हर हाल में इसको हासिल कर लेगा। दस मिनट हो चुके हैं, कुछ भी नहीं कर रहा, हिल भी नहीं रहा। शायद भूख लगी होगी जी। चुप करो। तब ये श्री कृष्ण की मूर्ति को देखकर रुक गया था, अब ये पक्षियों को देखकर रुक गया। भांजी, कृष्ण पक्ष, इस घड़ी में ये लोग हिंसा नहीं करते हैं। हाँ, ये ऑफर भी हमें मिल रहा है। हे कृष्णा, इतने दिनों तेरी पूजा करता रहा, आज मुसीबत की घड़ी में तूने हम सबको बचा लिया। कृष्णा वासुदेवा, मतलब अगले 24 घंटे तक ये हमें कुछ भी नहीं करेगा? कुछ नहीं करेगा मामा। हाँ, जरा दो कदम पीछे हटकर देखो। दो कदम बाएं, पीछे की तरफ। ये तो रुक ही नहीं रहा। मैं समझ गया, नेक्स्ट 24 आवर्स इसके साथी को सारने पड़ेंगे। इसके साथी? चलो। स्वामी जी, हाँ? वो एक है, हाँ? हम चार हैं। हाँ तो सब मिलकर उसका कीमा बनाएंगे। अरे नालक, शायद उसे सुनाई नहीं दिया है तो बच गए, वरना हम सबको मार के अब तक बर्फ का पिंड बना देता। सुन लिया, चलो आगे। चलो चलते चलते। नहीं हो पाएगा, तुम सब यही रुको वहां तक, मैं जाके आता हूं। कार्तिक, तुम अकेले क्यों जाओगे? कृष्ण पक्ष खत्म होने में समय है, तुम्हें जो मोर की प्रतिमा चाहिए वो यही पर है। मुग्धा, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा, वो काम मेरा है। तब तक इनकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। भगवान जी।
जय श्री कृष्ण। शुभकृत श्रावण मास समाप्त होने से पहले तुम्हें वो कढ़ा हासिल करना होगा कार्तिकेय। अरे बेटा कार्तिक, अभी अभी मैंने एक सुंदर प्रवचन सुना है। हमें किसी भी समय निराश होने की जरूरत नहीं, सिर्फ परिस्थितियां ही कमजोर होती हैं, हम नहीं। भांजे, तुम ठीक तो हो ना? I'm okay. मामा, वो अबीर कहाँ गया? अब तक तुम्हारे पीछे ही था, पता नहीं वो अचानक कहाँ गायब हो गया। बताओ कार्तिक, अब कहाँ जाना है? उसका मृत्यु को प्रकृति को छोड़ के गलत किया शांतनु, कार्य साधक को प्रकृति सहायता करेगी, नुकसान नहीं। मेहनत उसकी है लेकिन काम मेरा है। इतने सुंदर माधव के हाथ में मुरली क्यों नहीं है? कृष्ण पक्ष की घड़ी खत्म हो गई। मैं भगवान की वस्तु के लिए नहीं जा रहा हूं, भगवान की आज्ञा पर जा रहा हूं। कई करोड़ों लोगों की जिंदगी ऐसे जुड़ी है,
दया करके समझने की कोशिश करो।
पूजने वाले अनेक हैं, पर भगवान सिर्फ एक या दो को ही चुनते हैं। आखिर ये कड़ा भगवान का ही है, हमेशा की तरह भारत सरकार को अपनी बुनियाद और भगवान को सच साबित करने का एक और ट्रिक है। क्या नास्तिक महानिया और अग्रराज्य संदेह कर रहे हैं? इसके जवाब में भारतीय वैज्ञानिक और इंटरनेशनल रेडियो कार्बन कैलिब्रेशन कर्व्स नाम के आधुनिक टेक्नोलॉजी से पता चला है कि ये निश्चित रूप से 5118 साल पुराना है और उस कड़े में लिखे सबूत के आधार पर आने वाली कई विपत्तियों की महामारी का समाधान है। ये पता चलने के साथ ही आसमान पानी धरती कल्पना के बिना प्रगति का संभव है कहा, और ज्ञान भी है, और इस बात से सारी दुनिया को आश्चर्य हो रहा है। डॉक्टर बाय डिग्री, एक्सप्लोरिस्ट बाय डीएनए, उन्हें ढूंढते हुए जब उनके पास प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो उनका जवाब ढूंढने निकल पड़ते हैं। आज देश भर में जिस बात की चर्चा चल रही है, ऐसे ऐतिहासिक आभूषण को ढूंढ निकालने वाले डॉक्टर कार्तिकेयन, प्लीज वेलकम हिम विद बिग अप्लॉज। आफ्टर ऑल दिस यू डिजर्व अ प्लेस इन सीक्रेट सोसाइटी। चलो कार्तिक, दुनिया पर राज करते हैं। After all this, you deserve a cruel death. 14 साल जेल की सजा या एक मिनट में जान लेने वाली फांसी नहीं, ये मैंने जो ज्ञान पाया है, ये वो ज्ञान संपत्ति है जिसे हमें बचाना है। तरक्की के नाम पर हम अपने विश्वासों को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं ऐसा सोचते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम अपने इतिहास को भूल रहे हैं। Excuse me. हमारे पुराणों पे सवाल करने वाले तुम, सबके भरोसे को तोड़ने वाले तुम, भगवान पर विश्वास न करने वाले तुम, फिर ये सडन रियलाइजेशन क्यों? अपनी पहचान बनाने के लिए? सांदी पपुनी के साथ गोवर्धन गिरी चढ़ते वक्त जिस श्री कृष्ण को धव ने देखा और उतरते वक्त जिस श्री कृष्ण को देखा, वो दोनों अलग थे। उसी तरह ये जर्नी शुरू करने से पहले मैं जैसा था, अब वैसा इंसान नहीं हूं, और जानने के लिए अभी बहुत कुछ है, ये मैं समझ गया हूं। मैं किसी का विरोध नहीं करता, सिर्फ सच को खोजता हूं। जिस तरह भक्त आंख मूंद कर भगवान पे विश्वास करते हैं, उसी तरह हमारे बीच बहुत से लोग आंख मूंद कर साइंस पे विश्वास करते हैं। सिर्फ नाम अलग अलग हैं, लेकिन सोच एक है।
शक्ति योग्यता के साथ बुद्धि गुण होने के कारण श्री राम शिव और श्री कृष्ण भगवान बने। ये माइथोलॉजी नहीं, हिस्ट्री है। ये हमारा इतिहास है, किसी के विश्वास से ना जुड़ा एक सच है। दे आर नॉट जस्ट आवर गॉड्स बट ऑल्सो आवर एंसेस्टर्स, उसका यही एक सबूत है। समस्या जब इंसान के हद से बाहर हो जाती है तब जवाब प्रकृति ही देती है। सच्चे दिल से करने वाले हर प्रयास के आगे प्रलय भी सर झुका लेता है। श्री कृष्ण को बहुत छोटा समझ रहे हो तुम। अरबियन समुद्र से लेके अटलांटिक समुद्र तक जुड़ा हुआ एक महान चरित्र है। सिर्फ एक कड़े को हासिल करके खुद को मुझसे भी महान समझ रहे हो। मेरी खोज अरबियन समुद्र पर ही रुकने जितनी छोटी नहीं है। अटलांटिक समुद्र में हमारे भारत देश के निशान हासिल करने तक रहेगी। क्या कर लेगा तू? अगले कृष्ण पक्ष तक जिंदा रहने की कोशिश करो, अभीर छोड़ेंगे नहीं। सरकारी विशिष्ट सलाहकार और कई क्षेत्रों में सेवा करने वाले डॉक्टर शांतनु मुखर्जी की अपने ही स्टेट में कल रात को बुरी तरह से हत्या की गई है। कारण क्या है, इसके पीछे किसका हाथ है, उसकी जानकारी अभी नहीं मिली है। उनकी अचानक मौत पर शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र के लोगों ने दुख प्रकट किया है। सोनू, चाचू कहाँ है? दो दिन से उसका फोन नहीं लग रहा है।